मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, वार्ड के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का, जिनके माध्यम से आज मैं साहिल जी महाराज जी के घर में आया हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं साहिल जी महाराज जी का, जिन्होंने पीएम केयर्स में 51,000 रुपये की राशि जो है वो दी है। लगातार से पार्टी की तरफ से प्रयास चल रहे हैं और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी आह्वान किया है कि हम सब मिलकर आम लोगों के घरों में जाएं और ख़ास तौर पर ऐसी शख्सियतें जो कुछ ज़्यादा डोनेशन दे सकती हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे साहिल जी महाराज जी का, जिन्होंने इससे पहले भी लगभग 50,000 से ऊपर की राशि जो थी पीएम केयर फंड में दी और आज हमने उनसे आह्वान किया था कि पार्टी के माध्यम से भी आपकी जो राशि है पीएम केयर्स में जाए। आज उन्होंने 51,000 रुपये की राशि जो है 51,000 रुपये का चेक हमें दिया है। मैं पुनः उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये राशि पीएम केयर फंड के माध्यम से उन लोगों के लिए खर्च होगी जो वाकई में ही ज़मीनी स्तर पर आम जनता के बीच में, लोगों के बीच में काम करते हैं, दिहाड़ीदार हैं, लेकिन आज लॉकडाउन होने के कारण दिहाड़ी नहीं लग रही और मेरा मानना है कि जब आम जनता इस तरीके से जागरूक हो जाएगी तो एक बहुत अच्छा कदम होगा। मैं सभी जम्मू वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माननीय साहिल जी महाराज ने लगातार से अपने प्रयासों से आज हमें 51,000 दिया है और आगे भी हम लोग तवक्को रखते हैं कि उनके माध्यम से और भी पैसा आएगा और बाकी जनता से भी मेरी प्रार्थना है कि सब मिलकर जो है पीएम केयर फंड्स में दें ताकि जो कहीं दिक्कतें कोरोना नाम की इस बीमारी के चलते, इस वायरस के चलते आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हों। मैं जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, वार्ड के अध्यक्ष और इस पीएम केयर्स के जो हमारे इस जिला के प्रभारी हैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके माध्यम से आज मैं साहिल जी महाराज के दर्शन भी कर सका और उनसे 51,000 रुपये की राशि भी जो है मैं उनसे ले सका। जय भारत, जय हिंद।